गुड मॉर्निंग फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डेट है 30 मई। आज मेरे वंशु का बर्थडे है। वंशु हाय कर दो। हाय करो। हाय करो। तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं। ये वंशु की मौसी भी आई हुई है, ये भी रेडी हो गई है। मामा अभी अंदर ही सो रहा है, उसको बुला रहे हैं कि आ जाओ तुम भी ब्लॉग में। और वंशु जैसा कि हमारा रेडी हो गया है, लेकिन गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। मामा भी आ गए हैं, देख लीजिए। वंशु को अभी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे वंश। तो अब हम सब लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं। अब वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए, उसके बाद हम लोग मंदिर के दर्शन करेंगे। आज वंशु का बर्थडे है, तो सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग भगवान के दर्शन से ही करते हैं। कहाँ घूम रहा है? हाय करो, हाय करो। हम लोग सब जा रहे हैं मंदिर, है ना वंशु? प्रणाम कैसे करोगे वंशु भगवान को? प्रणाम कैसे? प्रणाम कैसे प्रणाम करोगे बता दो। प्रणाम करो। करो। अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी, बाकी लोग पहले ही उतर गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं भगवान के लिए प्रसाद ले लेते हैं। तो मैं प्रसाद पैक करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं कई बार मंदिर पे आ चुकी हूँ, वंशु भी यहीं पे है। हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बजरंगबली के मंदिर में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आज मंगलवार का दिन था, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने पहले यहाँ की पूजा कम्प्लीट की, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर ऊपर भी गई थी, वहाँ भी पूजा करी थी। तो मेरी पूजा हो चुकी है, अब हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं और हम लोग अब ऊपर वाले में आ गए हैं मंदिर में। यहाँ भी वंशु को बोले यहाँ वंशु टीका लगा देते हैं, लेकिन वंशु तो सुन ही नहीं रहा है। तो हो गया, मैंने पूजा किया, फिर वंशु को बोली कि वंशु थोड़ा प्रणाम कर लो। तो वंशु प्रणाम कर रहा है इधर उधर से। तो गाइज, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वंशु को बढ़िया विशेष दीजिए।